ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणति ये भूरिदाजनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत नवम परिच्छेद। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर रे भक्तमानंक संगरे कलिकतारे चैतन्य लीला दर्शन राखाल नारायण नित्यगोपाल और छोटगोपाड़ संवाद। आज रविवार आश्विन छ दिन ठाकुर श्री रामकृष्ण घरे अनेक भक्त समवेत होती। राम महेंद्र मुखार्जी चुनीलाल मास्टर प्रभृति अनेक अच्छा। 21 तारीख सेप्टेम्बर 1884 ख्रीष्टाब्द चुनीलाल निकटरे वृंदावन रु फेरी सेठाकू से और राखाल बलराम संगरे जाते। राखाल और बलराम एपर्यंत फेरी ना। नित्य गोपाल वृंदावन अच्छा। ठाकुर चुनीलाल सहित वृंदावन कथा कहते। श्री रामकृष्ण पचारुंट राखाल किपरी अच्छी। चुनी कहते आज्ञा से वर्तमान भल अच्छा। श्री रामकृष्ण कहते नित्य गोपाल वर्तमान आसब ना कि। चुनी कहते एपर्यंत सेठार अच्छा देखि आ। श्री रामकृष्ण पुणी पचारुंट तुमर परिवार सबू कहा संगे आसुंच। चुनी कहते बलराम बाबू कही भल लोक सांगे पठाईदे नाम कही ना। ठाकुर महेंद्र मुखार्जी सांगे नारायण कथा कहवाक लगे। नारायण स्कूल पढ़ती 16-17 वर्ष बयस। ठाकुर मझे मझे आसती। ठाकुर भारी भल पाती। श्री रामकृष्ण कहते खूब सरल कौन सरल यही कथा कहू कहू ठाकुर जेपरी आनंद परिपूर्ण हेले। महेंद्र कहते आज्ञा हाँ खूब सरल। श्री रामकृष्ण कहते ता माँ से दिन आसी अभिमानी देखी भई हेला। तापरे तुम्हें माने एठाकु आस कप्तान आसे ये सबू से दिन देखिपारा। से ठीक करी भाविला जे खाली नारायण आसे आउ मु आसे ताहा नुहे। समस्त हस मिश्री ए घरे देखि कहला भल मिश्री तेब जान ला खाइवा पीबारे कौन सी असुविधा ना। से सामने बोध हुए बाबूराम को कहली नारायण पाई आउ तो पाई ए संदेश गुड़ाक रखिदे। तापर गणीर माँ और अन्य समस्ते कहले मालो नौका भड़ापाई जहाँ करे मत कहला जे आपन नारायण को कहतु जपरी विवाह करे। से कथार मु कहली से सब अदृष्टर कथा से मु कहबि कहीं। समस्त हस भल करी पढ़े ना तेणु कहला आपन कहतु जपरी भल करी पढ़े। मु कहली पढ़रे तो पुणी कहला टिके भल करी कहतु। समस्त हस। श्री रामकृष्ण चुनी प्रति कहते आच्छा गोपाड़ आसे ना कहीं। चुनी कहते रक्त अमाशय हो। श्री रामकृष्ण कहते औषध खाऊ तो थिएटर बेसियार अभिनय पूर्व कथा बेलून दर्शन और श्री रामकृष्ण उद्दीपना। ठाकुर आज कलिकतार स्टार थिएटर को चैतन्य लीला देखा जीवे। स्टार थिएटर से समय जोठार अभिनय होता आजिकल सेठे कहिनूर थिएटर। महेंद्र मुखार्जी सहित तांगो गाड़ी रे अभिनय देखा जीवे केउठारे बसिले भल देखा जाए सही कथा होही। कहिले गोटे टंकार सीट रे बसिले भल देखा जाए। राम कहिले काहेकी ए बक्स रे बसिबे। ठाकुर हसुचंती केही केही कहिले बेस्या माने अभिनय करंती चैतन्य देव नीताई एही सब अभिनय से माने करंती। श्री रामकृष्ण भक्त मान कहते मुझे माँ आनंदमय रूप से देखी से मैंने चैतन्यदेव सही सलर आत देखिले सत्यर आत उद्दीपना हुए। जड़े भक्त रास्त जाऊ जाऊ देखला केते गुड़िए बाबल गच्छ रही देखी भक्त टी एका बेड़के भावाविष्ट तार मन है जे यही काठरे श्याम सुंदर बगिचापाई भल कदाड़ बेट हुए। संगे संगे श्याम सुंदर मन पड़गले जेते बड़े गड़पड़िया
बेलून देखा मत नहीं जाते गोटे साहेब पिला गोटे गछ को आउजी त्रिभंग हो ठिया होता जहू देखिली सांगे सांगे कृष्ण उद्दीपना है तत्क्षणात समाधिस्थ होगली। चैतन्य देव मेढ़गा दे जाऊले शुणिले से ही गाँर मटी खड़ तैयारी हुए जो शुणिले संगे संगे भावाविष्ट होगले। श्रीमती मेघ किंबा मयूर कंठ देखिले आउ स्थिर हो रही पारती ना श्रीकृष्ण उद्दीपना हो बाह्य ज्ञान शून्य हो जाती। ठाकुर टी चुप कर बसी कियत्ण पर पुनर कथा कहते श्रीमती महाभाव गोपी प्रेम कौन सी कामना ना जे ठीक भक्त से कामना करे ना केवल शुद्धा भक्ति प्रार्थना करे कौन सी शक्ति किंबा सिद्धि चाहे ना। लंगुड़ी बाबा शिक्षा ईश्वर लाभर विघ्न अष्टसिद्धि सिद्धि रहिले महाविपद। लंगुड़ी मते कहिले जड़े सिद्ध समुद्र धार बसी एतिक बेले गोटाए झड़ आसला झड़े तार भारी कष्ट से कहला झड़ बंद हो जा तार वाक्य मिथ्या हेबार नुहे खंडे जहाज पालटाणी जाऊला हठात झड़ बंद हो संगे संगे जहाजटा टूब कर बुड़गला जहाजर समस्त लोक तांगे बुड़गले बर्तमान एत गुड़े लोक बुड़जार पाप सबू तार है से पापरे सिद्धि चलीगला पुणी नरक है जड़े साधुर खूब सिद्धि होता आई अहंकार किंतु साधुटी भल लोक आर तपस्या भगवान छद्मवेश साधुर बेश धरी दिने ताखक आसिले आसी कहिले महाराज शुणी आपणकर खूब सिद्धि हो साधु आदर करी तांगु बसाइले यही समय से ही बाट दे गोटे हाथी जाऊला से नूतन साधुटी कहिले अच्छा महाराज आपण मन कले हाथी को मारिदे पारती साधु कहिले ऐसा होने सकता यह कोई धूड़ी मंतुराई हाथी ऊपर पकाइबारु से छटपट हो मरीगला तहु तो जो साधुटी आसी से कहिले आपणकर कि शक्ति हाथीटा को मारिदेले से हसवाक लगिले तहु तो से साधुटी कहिले अच्छा हाथीटी को पुणी बचाई पारे से कहिले ओ भी होने सक्ता है यह कही पुणी धूड़ी मंतुराई पकाइबारु संगे संगे हाथीटा धड़पड़ हो उठी पड़ा ए साधुटी कहिले आपणकर कि शक्ति किंतु गोटे कथा पचारे ये हाथी मारे आ बचाइले आपणकर कौन है निजर किसी उन्नति है एथिरे कौन आपण भगवान को पाइले या कही साधु अंतर्धान हेले। धर्मर सूक्ष्म गति टिके मात्र कामना रहिले भगवान लाभ हुए ना छुंची भितर को सूता जीव किंतु टिके मात्र आंसू रहिले जाईपारे ना। कृष्ण अर्जुन को कहते भाई मते जदि लाभ करने को चाह तेबे अष्ट सिद्धि गोटे हेले सिद्धि थिबा पर्यंत हेबो ना काहीकि जानो सिद्धि रहिले अहंकार हुए मनीष ईश्वर को भूली जाए जड़े बाबू आसला टेरा कहला आपण परमहंस ताहले बेस टिके सस्तयन करने को हेबो कि हीनबुद्धि परमहंस पुणी सस्तयन करने को हेबो सस्तयन कर भल करवा होची सिद्धि अहंकार रे ईश्वर लाभ हुए ना। अहंकार किपरि जान जेपरी ढीप जमी वर्षा जल जमे ना गड़ी जाए नीच जमी रे जल जमे आउ अंकुर हुए तापर गछ हुए तापर फल हुए। हाजरा को कहे मु बुझी आउ समस्त बका ए बुद्धि कर ना समस्त को भल पाइबा को हेबो केही पर नुहे सर्वभूतरे से ही हरि ही अछंती तांको छड़ा किछि नाही। प्रह्लाद को भगवान कहिले तुमे वर निय प्रह्लाद कहिले आपण को दर्शन पाई मोर आ किछि दरकार नाही भगवान छाड़िले नाही तहु तो प्रह्लाद कहिले जदि वर देबे तेबे एही वर दियंतु मते जे माने कष्ट देइछंती सेमानंकर अपराध न होउ यार अर्थ जे हरि सेमानंकर उपरे कष्ट देले तेणु लोक मानंकु कष्ट देले हरिंकु कष्ट हेबो। श्री रामकृष्णंकर ज्ञान उन्माद और जाति विचार पूर्व कथा 1857 ख्रीष्टाब्द
काली मंदिर प्रतिष्ठा परे ज्ञानी पागल को दर्शन हलधारी श्रीमती प्रेम उन्माद पुणी भक्ति उन्माद अच्छी जपरी हनुमान सीता निरे प्रवेश कर देख राम को मारवाक जाए पुणी अच्छी ज्ञान उन्माद जड़े ज्ञानी को पागल अवस्था देखी थी काली मंदिर ठीक प्रतिष्ठा परे लोके कहिले राममोहन रायंकर ब्राह्म सभार जड़े गोटे गोड़े छिंडा जोता हाथ में कंची आउ गोटाए हांडी आंबचारा गंगारे डुबिले अपरे काली मंदिर को गले हलधारी से काली मंदिर बसी मत्त हो स्तव करने को लगिले ख्रौ ख्रौ खटवांग धारिणी इत्यादि कुकुर पाखक जा कान धरी ता उच्छिष्ट खाइले कुकुर किछि कला नाही मोर भी सेतेबेले एहिपरि अवस्था आरंभ होइछि मु हृदुर गला धरी कहिली आरे हृदु मोर भी कौन एही दशा हेबो मोर उन्माद अवस्था नारायण शास्त्री आसी देखिला मु गोटाए बाउंस कांधरे पकाई बोलुछि तहु से लोकमानन पाखरे कहिला ए तो उन्माद से अवस्था रे जाति विचार किछि रहे नाही जणे नीच जातिर स्त्रीलोक सागर रांधि पठाए मु खाए काली मंदिर रे कांगाड़ी माने खाईगले से मानको पत्र को मुंड आउ मुहरे लगाए फलधारी तहु मते कहिला तू करुछु कौन कांगाड़ी मानको अईठा खाइलु तोर पिलापिली बाहागर हेबो किपरि मोर सेतेबेले राग हेला फलधारी मोर दादा हुए ताहले कौन मु मानिबी ताकु कहिली तेबे रे सळा तू कुआडे गीता वेदांत पढ़ु तू पर शिखाऊ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मोर पुणी पिला छुआ हेबे ठौराउछु तोर गीता पढ़ार मुहरे निया मास्टर प्रति देख खाली पढ़ा शुणार किछि हुए नाही बाजणार बोल लोके मुखस्थ करी भलो कही पारंती हाथ रे आणिबा बड़ कष्ट ठाकुर पुनर्बार निजर ज्ञान उन्माद अवस्था वर्णना करछंती मथुर बाबू को सांगरे किसी दिन नौकर वायु परिवर्तन पाई बुलवाक गली से यात्रा रे नवद्वीप को जाइली नौकर देखिली माझी माने रांधुचंती सेमान को पाखरे ठिया होई मथुर बाबू कहिले बाबा सेठारे कौन करुछ मु हसी कहिली माझी माने भलो रांधुचंती मथुर बाबू बुझिले जे मु एथर मागी खाई पारे तेणु कहिले बाबा चली आस वर्तमान किंतु आउ पारे ना से अवस्था वर्तमान नाही वर्तमान ब्राह्मण हेबो आचारी हेबो ठाकुर को भोग हेबो तेबे भात खाइबी कि अवस्था सब न जाई देशर चीना संखारी ओ आउ सब समवयस्क मानू कहली आरे तुमर गड़ तड़े पड़ुछि थरे हरिबल कुह यह कही समस्त गड़ तड़े पड़वा गली तहु चीना कहिला आरे तोर वर्तमान प्रथम अनुराग सेथिपाई सब समान बोध होउछि प्रथम झड़क उठिले जेतेबेले धूली उठे सेतेबेले आंब गछ तेंतुड़ी गछ सब एक बोध हुए एटा आंब गछ सेटा तेंतुड़ी गछ चिन्ही हुए नाही जणे भक्त पचारछंती एई भक्ति उन्माद प्रेम उन्माद कि ज्ञान उन्माद संसारी लोकर हेले किपरि चलिव श्री रामकृष्ण संसारी भक्तों प्रति कहउछंती जोगी दुई श्रेणीर व्यक्त जोगी आ गुप्त जोगी संसार रे गुप्त जोगी केही तांकु चिन्ही पारंती नाही संसारी पक्षरे मनरे त्याग बाहरे त्याग करिबा नहि राम कहउछंती आपन को कथा पिला मानंकु भुलाइबा भड़ी संसार रे जणे ज्ञानी होई पारे विज्ञानी होई पारे नाही श्री रामकृष्ण कहउछंती शेषरे विज्ञानी हेबाकु हेबो जोर करी संसार त्याग भलो नहि राम कहउछंती केशव सेन कहती आपण पाखक एत लोक आसती कहीं दिने हठात कामुड़ी देवे से पलाई जावाक श्री रामकृष्ण कहते कहीं हठात कामुड़ी मु तो लोक मान कहे या को भी कर ताको भी कर संसार भी कर ईश्वर को भी डाक सबु त्याग करने को कहे ना सहास्य केशव सेन दिने लेक्चर देले कहिले हे ईश्वर एपरी करंतु जेपरी आमे माने भक्ति नदी रे बुड़ी पारू आउ बुड़ी जेपरी सच्चिदानंद सागर रे जाई पड़ू स्त्रीलोक माने पर्दा ढुआल रे थिले मु केशव को कहली एका बेल के समस्ते बुड़िले किपरी हेबो
ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦଶା କ'ଣ ହେବ? ଥରେ ଥରେ କୂଳରୁ ଉଠ, ପୁଣି ବୁଡ଼, ପୁଣି ଉଠ। କେଶବ ସେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଜରା କହେ, ତୁମେ ରଜଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଅ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ମାନ ସମ୍ଭ୍ରମ ଖୁବ୍ ଅଛି। ଏ କଥା ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ହରିଶ ନଟ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ କାହିଁକି? ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା କାହିଁକି ଭଲ ପାଏ? ତା'ର ତ କଦଳୀ ପଡ଼ାରେ ଲୁଣ ଟିକିଏ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଘରର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଓ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା କହି କହି ଝାଉଁଗଛ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗଡ଼ୁ ଓ ଗାମୁଛା ନେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ତି। କଲିକତାକୁ ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ସେଇ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚବଟୀରେ। ରାମ ସବୁ ରଜଗୁଣର କଥା କହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଦାମ ଦେଇ ବସିବା କି ଦରକାର? ବକ୍ସର ଟିକେଟ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହମ୍ ବୈ ଈଶାବତାରମ୍ ପରମେଶମିଡ଼୍ୟମ୍ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣମ୍ ଶିରସା ନମାମି।